तीसरा सील कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदं समादयामि। ये जो तीसरा सील है, क्योंकि सील सारे ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और पांच सील तो पूरे धम की जान है। अगर धम में से ये सील निकाल दिए जाएं तो धम खत्म हो जाता है। कामेशु मिच्छाचारा यानी काम में या काम पर मिच्छा आचार का मतलब है मिथ्या आचरण या झूठा आचरण, गलत व्यवहार ना करने की शिक्षा लेता हूं। शिक्षा मतलब शिक्षा लेता हूं, एजुकेशन ले लेता हूं। ऐसा मैं वेरमणि का मतलब है ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूं, ऐसा मैं ग्रहण करता हूं। कामेशु का जो अर्थ है वो बताया जाता है कि काम वासना से लिप्त है। काम वासना मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज से। पाली और पुरानी भाषा में काम का मतलब होता है प्लेजर या एन्जॉयमेंट और उसको ग्रहण करने वाले सेंसेस, यानी कि अगर संस्कृत भाषा में कहें तो इंद्री या सेंसेस हो गए, या अगर पाली प्राकृतिक में कहें तो ये हो जाएंगे हमारे आयतन। पांच तरह के आयतन यानी पांच आयतन या षडायतन जिनको बोलते हैं, जिसमें छह आयतन हो जाते हैं। षडायतन यानी छह इंद्रियां अगर संस्कृत भाषा में कहें, क्योंकि इंद्र जो शब्द है वो पाली में नहीं आता, आधा रह है, इसलिए इसको आयतन बोलते हैं। षडायतन का मतलब है छह आयतन और पांच आयतन का मतलब है पांच आयतन। आयतन क्या होते हैं? जिनसे हम ग्रहण करते हैं कोई चीज़। आयतन बेसिकली खिड़की को भी आयतन बोलते हैं, विंडोज या दरवाजे, यानी छह दरवाजे जिनसे हम कोई चीज़ बॉडी के अंदर इनपुट लेते हैं, अंदर लेते हैं। उनमें जो प्लेजर आता है यानी जो उसमें आनंद आता है उसको यहाँ कामेशु बोला गया है। पाँच सील, ये बात स्पष्ट है कि पाँच सील ग्रस्त लोगों के लिए होते हैं और ग्रस्त लोग सभी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि प्रकृति को डेवलप करना है, आगे बढ़ाना है, आगे चलना है। भिक्कु इन चीज़ों में लिप्त नहीं होते या इनसे वो परे होते हैं, मगर जो ग्रस्त लोग हैं, मेरे जैसे लोग या जो साधारण लोग हैं, वो इन चीज़ों में सब में लिप्त होते हैं। जैसे जो काया का आनंद है, काया का सुख है, यानी कि अगर स्पर्श कहीं से होता है, टच कहीं से होता है, तो दोनों तरह का टच होता है, खराब टच भी, बैड टच भी और अच्छा टच भी होता है। कोई किसी से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाना अच्छा हो सकता है, मगर अगर वो हाथ को दबाए और बहुत ज़्यादा दबाए और हाथ को तोड़ने लगे तो वो खराब टच हो जाता है। कोई किसी की सर पे मालिश करे और मालिश करने के बाद में वो उसको जोर से दबाए कि उसका सर टूटने लगे या फूटने लगे, तो वो मालिश फिर खराब में आ जाती है। ऐसे यहाँ जो लिमिट बताई है कामेशु मिच्छाचारा, यानी कि जो आनंद है, जो आप जॉय ले रहे हैं, जो आप एंजॉय कर रहे हैं, उसकी एक लिमिट है। उस लिमिट से परे जो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उसको मिच्छा आचरण बोलते हैं, उसको गलत व्यवहार बोलते हैं। जहाँ तक वो लिमिट है वहाँ तक वो आचरण ठीक है, और जब वो लिमिट को क्रॉस करता है तो वो आचरण खराब है। कोई खूबसूरत बच्चा है अगर, या खूबसूरत महिला है या खूबसूरत पुरुष है, आप उसको देखें, निहारें और उसकी प्रशंसा करें, ये एक लिमिट में आता है। मगर अगर आप उसे घूरना शुरू कर दें या उसमें फप्तियाँ कसना शुरू कर दें या आप उसको टीज और परेशान करना शुरू कर दें या आपकी निगाह बदल जाए, तो फिर वो आचरण मिथ्या आचरण में आता है, खराब आचरण में आता है। ये ग्रस्तों के लिए हैं। एक खाना बहुत अच्छा हो सकता है, खाना तरीके से खाएंगे, कम खाएंगे, वो आचरण में आता है। और अगर खाना ठूस ठूस के खाएंगे, दो टाइम का एक साथ खाएंगे, जबरदस्ती खाएंगे, बिना पचे खाएंगे, गलत तरीके से खाएंगे, तो वो फिर मिथ्या आचरण में आ जाता है, वो कामेशु मिच्छा आचरण में आता है। मिथ्या मतलब मिच्छा यानी गलत आचरण में, गलत व्यवहार में आता है। आप कार चला रहे हैं, कार को आराम से चलाएं, सबका ध्यान रखते हुए चलाएं, वो आपके सही आचरण में आता है। मगर कार की आप ओवर स्पीड कर दें, बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा दें, वहाँ टकरा के चलें, लोगों को डर लगे, एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाए या एक्सीडेंट हो जाए, तो वो फिर मिच्छा आचरण में आता है, मिथ्या आचरण में आता है, गलत आचरण में आता है, गलत व्यवहार में आता है। यानी आप गाड़ी चलाने का जो कामेशु कर रहे हैं, जो आप आनंद ले रहे हैं, वो आनंद फिर मिच्छा आचरण में आ जाता है। आप कहीं काम पर हैं, कहीं आप जैसे दुकान पर हैं, दुकान पर बैठे हुए हैं और दुकान पर
बैठ के आपने किसी से 100 रुपये लिए और 100 रुपये की जगह आपने उसे 80 रुपये का सामान कम करके तोल दिया, तो ये आपका मिच्छाचरण में आ जाता है। ये आचरण कामेशु मिच्छाचरण में है, क्योंकि आप अपने लालच की जो इंद्री है उसको, जो लालच का आयतन है उसको आप बढ़ा रहे हैं। इसलिए स्पष्ट इस सील में हजारों बातें हो सकती है, काम की बातें, या कोई देश का अगर कोई चलाने वाला है, किसी भी देश का है, और वो अपने को सेटिस्फाई करने के लिए देश का नुकसान करता है, तो वो उसके मिच्छाचरण में आ जाता है। या कोई अफसर है और वो अफसर नियम से काम ना करके अपने पर्सनल फायदे के लिए कोई काम करे या पर्सनल किसी का नुकसान करना शुरू करे, तो वो मिच्छा आचरण में आ जाता है। जब तक वो नियम के अनुसार देश के हित में काम करेगा, वो उसके सही आचरण में आता है। तो कामेशु मिच्छाचारा आचरण 24 घंटे पूरी दुनिया में चलता रहता है। इससे बचने के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इससे कैसे बचा जाए, यानी कामेशु मिच्छाचार, यानी ऐसा आचरण जो नियम के अनुसार है और जो किसी को परेशान नहीं करता, देश दुनिया लोगों के फायदे के लिए होता है और उस लिमिट में रहता है, ऐसा मैं करूँगा और इससे परे ना करने का मैं व्रत करता हूँ, यानी कि इससे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाएगा उसको मैं नहीं करूँगा। मिच्छा आचरण यानी मिथ्या आचरण या गलत व्यवहार पूरी जिंदगी 24 घंटे जब से बच्चा पैदा होता है और जब से मरता है तब से लगातार उसको ध्यान रखना होता है। 24 घंटे की ये ड्यूटी है, 24 घंटे इससे व्रत रहना होता है, यानी इससे परे रहना होता है। कैसे रहेगा? जब भी वो कोई काम करे, इस बात को देखे कि इस काम को करने से क्या मेरा मन इसको कहता है कि ये काम ठीक है, और अगर मेरा मन इसको ये कहता है कि ये काम ठीक है, तो क्या मेरे परिवार और मेरे आस पड़ोस मोहल्ले के लिए ये काम ठीक है, और अगर मेरे मोहल्ले और मेरे आसपास के लिए ये काम ठीक है, तो क्या पूरे गांव के लिए और पूरे शहर के लिए ये काम ठीक है, और अगर मेरे शहर और गांव के लिए ये काम ठीक है, तो क्या पूरी दुनिया के लिए ये काम ठीक है, देश के लिए ये काम ठीक है। अगर वो मन ये कहता है कि ये काम सबके लिए ठीक है, तो वो फिर सही आचरण में आता है, मिच्छा आचरण में नहीं आता, मिथ्या आचरण में नहीं आता। ये इसका टेस्ट और इसका चेक होता है कि कैसे आप ये जज करेंगे कि कोई काम मिच्छा आचरण में आता है या नहीं आता है। इस काम को यानी मिच्छा आचरण के लिए स्पष्ट रूप से बुद्ध ने गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, जो भिक्खुओं के लिए सेपरेट करके 227 आती हैं और भिक्खुओं के लिए 311 हैं, और साधारण मनुष्य के लिए उसके मन को देखना होता है कि उसका मन क्या कहता है क्या नहीं कहता है। मिच्छा आचरण सबसे पहले मन में आता है, यानी कि जब भी कोई आप काम करेंगे वो गलत है या सही है, यानी मिच्छा है मिथ्या है गलत है या वो सही है, ये काम सबसे पहले मन में आता है, मन इसको बता देता है। फिर ये वाणी में आता है यानी कि शब्दों में आता है। शब्द जब आप बोलेंगे तो सामने वाले भी समझ जाएंगे और आप खुद भी समझ जाएंगे कि अब जो आप ये बोल रहे हैं ये आचरण ठीक है या ये खराब है। आपने किसी को गलत बात कही वो मिथ्या आचरण में आती है, झूठी बात कही वो मिथ्या आचरण में आती है, चुगली की वो मिथ्या आचरण में आती है, आपने कहीं बात को बड़ा चढ़ाकर बोल दिया वो मिथ्या आचरण में आती है, आपने कहीं अपनी बात को बहुत ज़्यादा ऐसे बोल दिया कि सामने वाले भी इम्प्रेस हो जाएं और वो बात सच में ना हो, वो मिथ्या आचरण में आती है, और आप सीधे और सही शब्दों में जो बात है जैसी है बोलेंगे वो मिथ्या आचरण में नहीं आती है। तो ये सबसे पहले मन में आती है, फिर वाणी में आती है, फिर ये काया से यानी कि शरीर से कैसे हम काम करते हैं कर्म में आती है, आपके काम जो कर्म करते हैं उसके अनुसार आती है। एक साधारण मनुष्य भी इसको अच्छी तरह से जज और चेक कर लेता है कि अब ये जो वो कर रहा है व्यवहार, ये व्यवहार ठीक है या नहीं है। लालच क्रोध और भय के कारण आदमी अपना व्यवहार बदल देता है। वो कैसे बदलता है ये उसको समझ आता है, इसके दुष्परिणाम भी आते हैं। जैसे ही वो अपनी बात को बदलेगा कहीं ना कहीं उसके शरीर में कोई ना कोई फ्लक्चुएशन होगा, या तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा, या उसकी आंखें ऊपर नीचे झपकेंगी, या वो हकलाना शुरू कर देगा, या वो टेढ़ा बोलना शुरू कर देगा, या वो तेज चलना शुरू कर देगा, कोई ना कोई शरीर में परिवर्तन आ जाता है। जब भी मिच्छाचार करेगा या झूठा बात कहेगा वो पकड़ा जाता है अपनी निगाह में। अगर वो अंदर झांक ले देख ले तो उसे पता चल जाता है कि ये आचरण ठीक नहीं है, उसे बचना चाहिए। धन्यवाद।